Hello aspirants, I welcome you all here. In today's video, I'm going to discuss why should we make plans and going to discuss some points which will convince us for making plans. And this video is especially made for UPSC, for aspirants preparing for UPSC or any competitive exams. But the points which I'm going to discuss, you can apply those in your daily life as well. So starting the points, the first thing that plans helps us in time management. हम सभी को पता है कि हमारे पास 24 hours a day होता है और कहीं ना कहीं हमें इसी limited time period में, एक दिन के limited time period में, हमें जो करना है वो करना होता है. पर अगर हम plan नहीं करते हैं चीज़ों को कि हमें एक दिन में क्या क्या करना है, तो हम बहुत सारे time, ऐसा देखा गया है या फिर आप भी रिलेट कर पाओगे कि हम अक्सर टाइम को वेस्ट कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्लान नहीं करते, बिना प्लान किए हुए बस ऐवें ही जैसे दिन स्टार्ट हुआ, जो करना है देख लेंगे कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड रखते हैं हम, तो जनरली क्या होता है कि हम एक ही काम में लगे रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आज पढ़ना है तो मैं पढ़ती रह जाऊँगी भाई, मतलब कोई ऐसे फिक्स चीज़ें नहीं होंगी. दूसरी बात, जब हम कुछ और करेंगे जैसे खाने पीने लग गए या फिर हंसी मजाक मस्ती फ्रेंड से बात हो गई, तो उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे. बाकी सारी चीज़ें जो है करनी चाहिए हमें, उसके लिए इग्नोरेंट हो जाएंगे, उसको इग्नोर कर देंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एकदम ख़राब है, जो आप रिलेट भी कर सकते हो, कि जब हम फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, चाहे आप YouTube पे पढ़ाई ही क्यों ना कर लो, एडिटोरियल वीडियोस या कुछ भी देख लो, पर अगर हम फ़ोन यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एडिक्शन बनते जाता है और हम उसमें ही खो जाते हैं. हम सोच के तो फ़ोन ओपन इसी सोच से करते हैं कि हाँ ये काम करना है, पर अक्सर देखा जाता है कि 1-2 घंटे ऐवें ही बीत जाते हैं. तो ये आपके साथ भी होता ही होगा. ये है टाइम का इम्प्रॉपर यूज़ और वेस्टेज ऑफ टाइम, कि जहाँ पे जितना समय देना चाहिए हम उतना समय देते नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा और टाइम वेस्ट करते हैं. तो प्लानिंग हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, कि अगर हम सुबह उठते के साथ या एक दिन पहले अगर हम प्रॉपर प्लान कर लें कि एक दिन में हमें क्या क्या करना है, कि जैसे ये पढ़ाई करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, घूमना है, योगा करना है, फ़ोन भी देखना है, चलो वो भी ज़रूरी है, लैपटॉप है या फिर और भी कुछ भी, अपने जितने आपके प्रायोरिटी एरियाज़ हैं. क्योंकि आप जब प्लान बनाते हो ना, तो आप कॉन्शियस एफर्ट लाते हो, आप कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो कि आप समझ पा रहे हो ना कि आपको अभी क्या करना है. क्योंकि आप प्लान कभी ये नहीं बनाओगे कि मुझे 5 घंटे फ़ोन देखने हैं, ये तो अनप्रोडक्टिव काम हुआ ना. तो जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ प्लान बनाओगे, ओबियसली कॉन्शियसनेस आ ही जाती है, तो आप प्रोडक्टिव यूज़ करोगे टाइम का, वेस्टेज नहीं होगा. तो आप बहुत सारी चीज़ें आप ग्रेजुअली फाइंड करोगे कि कैसे आपके में बदलाव आ रहा है. आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है इससे. एग्जांपल्स सिर्फ फ़ोन ही है, क्योंकि अभी मेरे साथ यही हो रहा है. पहले मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ देखा करती थी करेंट अफेयर्स के लिए, पर अब ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक मैं लिमिट कर पाई हूँ. तो ये आप सिंपली समझ जाओ कि ये प्लान्स ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड इसके लिए आपको प्लान्स बनाने चाहिए. दूसरा, ये इफ़ेक्टिवली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो या कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हो. दैट इज़ प्लान्स मेक्स अस इन सिलेबस मैनेजमेंट. सिलेबस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ बिल्कुल नहीं पसंद होता है, कुछ ओके सा रहता है. हाँ, तो जब हम बिना प्लान बना के पढ़ाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरली जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक्स हमें पसंद होता है, उसी पर ज़्यादा बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नोटिस करना कि पॉलिटी वगैरह या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स लोग ज़्यादा यूपीएससी में, मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ते रहते हैं. पॉलिटिक्स सबका क्लियर क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं. कुछ भी अगर कभी भी प्लान बना कि हाँ अब डेडिकेटेड होके पूरी अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पॉलिटी ही उठाते हैं और कोई सब्जेक्ट्स नहीं. तो इससे क्या होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पर हमारा फोकस रहता है, कभी भी हम स्टार्ट हों बस वही, और बाकी सब चीज़ें जिसमें हम कमज़ोर हैं या जिससे डर लगता है, जो पसंद नहीं है, उसको इग्नोर होती जाती हैं. तो ये नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए प्लान्स जब हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट्स वाइज सबको एडिक्वेट टाइम देते हैं,
एडिक्वेट इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये प्लान्स के थ्रू ही हो पाता है, जिससे कि ग्रेजुअली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाता है, हमें पढ़ने में मन, हम कंटिन्यूसली कनेक्टेड फील करते हैं पूरी सिलेबस से, पूरी स्टडी से और हर सब्जेक्ट से। और जब आप हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड फील करोगे तो ही तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगी ना, ये तो कॉमन सेंस था। तो इन्जॉय द प्रोसेस, ये है। तो सिलेबस मैनेजमेंट इसी से होता है कि आप प्रोसेस को इन्जॉय करने लगते हो, आपको पता है प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थी तो उसको कितना टाइम देना है, इसका मतलब फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स, इन सबको प्रायोरिटी एरियाज़ जो हैं उनको कितना टाइम देना है, नॉन प्रायोरिटी एरियाज़ बट फिर भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ उनको कितना टाइम देना है, ऐसे ऐसे करके पूरा मैनेज हो पाता है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू पॉइंट्स, टाइम एंड सिलेबस मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि प्लान्स हेल्प्स अस इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये कैसे होता है, आप देखो, आप सबको समझने की कोशिश करो, आपको स्ट्रेस कब होता है? जब आपको पता है एग्ज़ाम सामने है पर सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें कब होता है, स्पेशली नाइट में, कि जब हम पूरे दिन ऐसे वेस्ट कर देते हैं कि एवं के कामों में, मतलब फ़ोन देखना हो गया, किसी फ्रेंड से बात करना हो गया, चलो ठीक है बुक्स खुले हैं तो उसमें भी कुछ मतलब प्रोडक्टिव काम किए बिना अगर हम दिन को वेस्ट करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब नॉर्मल तो रहता ही है। तो ये स्ट्रेस कैसे मैनेज हो पाता है, जब आप टाइम मैनेज करते हो, आपको पता है कि आपने प्रोडक्टिव यूज़ किया तो आप कहीं ना कहीं अंदर काम रहोगे कि ठीक है भाई मैंने किया ना काम, कुछ तो किया ना, कुछ तो अच्छा पढ़ा ना मैंने, मैं कोशिश कर रही हूँ ना या कर रहा हूँ ना। तो ये सब हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर सिलेबस कंप्लीशन की ओर जा रहा है, आप देख रहे हो कि हाँ धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, आप प्रोडक्टिव भी हो रहे हो, तो आपका स्ट्रेस मैनेज होता है, आपका माइंड कंट्रोल में आता है, आप अटेंशन ज़्यादा अटेंट, आप ज़्यादा अटेंटिव हो पाते हो और इससे कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है और वो मेंटल हेल्थ आपके फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और जब ये दोनों हेल्थ, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो भी इम्प्रूव हो ही जाता है, क्वालिटी ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो इम्प्रूव हो जाता है। फिर आप, आई होप आप ये पॉइंट से रिलेट कर पाओ। और फोर्थ वाला पॉइंट है सोशल मैनेजमेंट। आप जैसे एरिस्टोटल ने कहा है कि वी ऑल आर अ सोशल एनिमल, तो हमारी, हमारे पास पर्सनल लाइफ है, मीन्स फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, क्लोज पर्सनस हैं, बहुतों के तो रिलेशनशिप्स भी होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी लव वंस होंगे। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं रह सकते 24/7, हमें इन सब लोगों की भी ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। इसको मैंने सोशल मैनेजमेंट में क्लब किया है कि जब आप सब कुछ आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चलता है तो आप सब पे ध्यान दे पाते हो, मीन्स आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप लोगों से बात जितना ज़रूरी है उतना बात भी कर रहे हो लव्ड वन से, क्योंकि उनसे बात करने से भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है बात करके, मूड फ्रेश हो जाता है, वो कर रहे हो, ऐसे ऐसे है। तो ये आपका सोशल मैनेजमेंट आपको अनसोशल या अनसोशल नहीं बना देता, आप कनेक्टेड फील करते हो लोगों से, डिसकनेक्ट नहीं होते, तो ये आपका सोशल मैनेजमेंट है। और इसमें एक कॉशन है कि ये सिर्फ फैमिली से रिलेटेड ही है, आप ये नहीं जो आप दूर दूर के रिलेटिव्स को कॉल करके बात किए जा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा यूपीएससी प्रेप में। तो ये था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो लास्ट में है कि प्रिपेयर योरसेल्फ नाउ फॉर योर रोल्स इन द फ्यूचर। अब इससे कैसे रिलेट हुआ कि ये जो पता है CAC, ये UPSC प्रेपरेशन की एक बहुत प्यारी, मतलब एक बहुत सुंदर चीज़ है कि ये आपको आपके फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर करता है। अब आप बोलोगे कैसे, अगर बाई चांस अब आप फ्यूचर में IAS IPS ऑफिसर बनने वाले हो, आपके पास तभी भी 24 hours a day ही होगा, वो बढ़ के 48 hours तो होने नहीं वाला चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना अभी से आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप जो अभी सिलेबस, जो आपके सब्जेक्ट्स नोट्स वगैरह हैं उसको केसेस से रिलेट करिए कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के केसेस होंगे, जैसे अलग अलग टाइप के अभी सब्जेक्ट्स हैं वैसे अलग अलग टाइप के केसेस होंगे, उन केसेस में ऐसा तो नहीं है ना कि एक को आप हैंडल कर, जब तक हैंडल नहीं करोगे तब तक दूसरा ओपन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, डेली केसेस आते हैं,
उसकी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल करोगे, तो कैसे मैनेज करना है सबको, सब कैसे किस कितनी सॉरी मतलब कौन से पे कितना ध्यान देना है, वो आपको अभी से सब्जेक्ट के हिसाब से सीखना होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस रोल के लिए अभी प्रिपेयर हो। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, और अभी आपका प्रेशर है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम प्रेशर फील करते हैं ना, एग्ज़ाम है या फिर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का या किसी भी चीज़ का, कि हाँ इतने में जॉब होनी चाहिए, फिर जॉब ना होना, अनसर्टेन थिंग्स हैं। स्ट्रेस तो खैर बहुत सारे रीज़न से होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो अच्छे पर से पढ़ाई करने के बाद भी, तो वो स्ट्रेस मैनेज करना आपको अभी से सीखना पड़ेगा। फ्यूचर में भी ऐसे होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी आप जो उस कॉज के लिए काम कर रहे हो वो नहीं होगा। पॉलिटिकल बॉसेस रहेंगे, तो उनकी बातें, उनके ऑर्डर, उनके तरफ से जो प्रेशर्स होंगे उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी बात, शायद तीसरी भी होगी, कि स्ट्रेस है कि आप बाई चांस एक कॉज के लिए काम कर रहे हो। जैसे अभी हमारा कॉज क्या है, UPSC का, ये जो CSE सिविल सर्विसेज क्रैक करना, उस टाइम भी आप कोई ना कोई कॉज के लिए काम कर रहे हो, उससे एक प्रोजेक्ट पास करवाना है उसके लिए, पर लोग वहाँ राज़ी नहीं हो रहे, आप बहुत मेहनत करवा रहे हो, सबको परसुएट कर रहे हो, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे अभी हम कितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी है ना, स्ट्रेस तो होती है, तो वो आगे चल के भी होगी। तो कहीं ना कहीं अभी से हमें सीखना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस मैनेज कैसे करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ सोशल मैनेजमेंट। उस टाइम भी पब्लिक रिलेशंस रहेगा, प्राइवेट पब्लिक रिलेशंस रहेगा ओबियसली, पॉलिटिकल लोगों के साथ प्लस सिविलियंस के साथ, मतलब पब्लिक के साथ, मासेस के साथ, और आपका प्राइवेट रिलेशन भी रहेगा। तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करते हो, ये आप अभी से सीख सकते हो, कि आप अपनी स्टडी, एग्ज़ाम्स, उसके लिए प्रिपरेशन, अपनी सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चल रहे हो, वो अभी से सीखो आप। तो ये कहीं ना कहीं आई होप मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आप लोगों को कि क्या मैं कहना चाहती थी। सो बस ये, इसीलिए मैं डेली टारगेट्स पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि मैं खुद प्लान्स अच्छे से बनाऊँ। और ये प्लान्स कैसे होते हैं, आप प्लान्स कैसे बना सकते हो, मंथली बनाओ, उसको वीक में डिवाइड करो, उसको डे में डिवाइड करो, ऐसे से करके, और बफर पीरियड हमेशा रखना, क्योंकि बहुत काम आता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो खैर ये रही आज की बात। और लास्टली मैं एक चीज़ के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि चलो मैं बोल ही देती हूँ, आप सुन लेना, कि आपका फ्यूचर आपके डेली शेड्यूल्स से दिखता है। मतलब आप हर एक दिन कितना प्रोडक्टिव रहते हैं, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो बी वेरी वाइज, बी कॉन्शियस व्हाइल यू स्पेंड योर डे, हाउ यू स्पेंड योर डेज, एंड मेक प्लान्स एंड ट्राई टू फॉलो देम एज मच एज पॉसिबल। इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सभी के साथ होंगी, पर आप डटे रहना और धीरे धीरे आप इसकी जो इम्पोर्टेंस है आप खुद समझ पाओगे, और आके मुझे बताओगे कि हाँ ठीक, मुझे बताओगे तो नहीं, मुझे याद ज़रूर करोगे कि हाँ किसी ने सही कहा था। तो बस ये है, आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।